Hello friends, I am Chanchal and today we discuss theory Z of Auchin. ये थ्योरी हमें ओची ने दी थी और उसने क्या किया था जैपनीज के ऊपर, इसको जैपनीज मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मतलब उसने जैपनीज के पैटर्न को समझ के एक थ्योरी दी थी। उसका मेन पर्पज़ था कि जैपनीज लोगों को कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सके, कैसे उनको बेस्टेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जा सके। वो किस पे फोकस करता था? इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लॉयल्टी, मतलब वो ज़्यादा फोकस करता था कि एम्प्लॉय लॉयल हो, वो अपनी लॉयल्टी ज़्यादा शो करे कंपनी के टूअर्स, उसको एक सेफ जॉब मिले। आप देखोगे हर एक जापानीज़ मतलब जितना हमने ओवरऑल सुना है जापानीज़ के बारे में, वो लोग टाइम पंचुअल होते हैं, लॉयल होते हैं अपनी कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये सब क्या है, ये इस थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हमने थ्योरी जेड का नाम दिया है। लॉयल होते हैं, ये प्रमोट करते हैं, यहाँ पे देखो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट उनका स्टेबल होता है, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब वो वैल्यू ज़्यादा जनरेट करते हैं, एंड हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फैक्शन होते हैं जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं। तो ये क्या है, ये ओची ने इसके बारे में इस चीज़ को प्रमोट किया है। वो कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें होंगी एक एम्प्लॉय के अंदर, तो वो बेस्टेस्ट वर्क प्लेस होगा उसे एक एम्प्लॉय के लिए। तो ओची और आजकल ऑलमोस्ट हर एक जापानीज कंपनी में ये चीज़ फॉलो की जाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होता है, प्रोडक्टिविटी हाई जनरेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है। नाउ इसके कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले बिल्डिंग कॉरपोरेटिव रिलेशनशिप, मतलब कि इसकी पहली जो अजम्पशन है वो है एम्प्लॉई जो है वो चाहता है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने पीयर्स के साथ, मतलब सेम लेवल पे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो फर्म के अंदर उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। डेवलप स्किल, वो खुद की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, वो हायर डिग्री स्किल को गेट करना चाहते हैं। किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू, जॉब रोटेशन के थ्रू। थर्ड वन है कलेक्टिव डिसीज़न, मतलब वो चाहते हैं कि वो एक डिसीज़न का पार्ट बने, कलेक्टिवली डिसीज़न में अपना एक हिस्सा बने, ताकि उसको ये लगे कि मेरी एक फैमिली है, जैसे फैमिली लगे अपनी खुद की, वो अपने कल्चर के हिसाब से सब चीज़ों को मेंटेन करना चाहता है उसके कल्चर के अकॉर्डिंग। सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद में ही डिसिप्लिन रहना चाहता है। आप जितने भी जापानीज़ को देखोगे वो सेल्फ डिसिप्लिनड होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी जेड। मैं ये नहीं कहती थ्योरी जेड उसका रीज़न है, बट आजकल कंपनीज जो है वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ थ्योरी जेड। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओची क्या कहते हैं कि ट्रस्ट हो, इंटीग्रिटी हो और ओपननेस हो, जब ये सारी मिल जाती हैं तब वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है। ओपननेस होने के कारण क्या होता है, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और सब लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट कम से कम होते हैं, और कन्फ्लिक्ट जब कम से कम होंगे तो म्यूचुअल ट्रस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, कंपनी ज़्यादा सेटिस्फाई होगी, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, या फिर इससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, दोनों अपना अपना काम बेस्टेस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वो अपने ग्रेटेस्ट इम्फेसिस देंगे। जैसे हमने उसके अजम्पशन में भी पढ़ा था, उसकी एक अजम्पशन ये आई थी कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होंगे एज वेल एज कलेक्टिव डिसीज़न लेंगे, मिलकर डिसीज़न लेंगे, तो वो भी एक बॉन्ड बनाने में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में काम आएगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमने जैसे अजम्पशन में भी पढ़ा था कि कलेक्टिव डिसीज़न होना चाहिए, अगर कलेक्टिव डिसीज़न होगा वही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, तभी वो कलेक्टिव डिसीज़न हो जाएगा। इससे क्या है, एम्प्लॉय के अंदर एक एंथुजियाज़म आएगा कि हाँ मुझे ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। कोऑर्डिनेशन मतलब कि मिलकर काम करना, मतलब हर एक चीज़ वो मिलकर करेंगे, अच्छे से मैनेज करके करेंगे। एक यहाँ पे होता है इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम,
या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम, जो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं वो ये कहता है कि इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपका म्यूचुअल ट्रस्ट है, कोऑपरेशन है, तो सीनियर और सुपीरियर का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इनफॉर्मल ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन फॉर्मल। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब नई स्किल ह्यूमन को सीखनी चाहिए, वही अजम्पशन का पार्ट है कि उसको अपनी स्किल को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, उसको उसको इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी चाहिए इंडिविजुअल, ताकि अपने खुद के डिसीजन ले सके। जो थ्योरी जेड है वो एक अमेरिकन मैनेजमेंट से भी कुछ कॉन्सेप्ट उसने लिए हुए हैं, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्क टेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये उसने कहाँ से लिया, अमेरिकन मैनेजमेंट से। और वहीं उसने जापानीज मैनेजमेंट में क्या दिया है, जॉब सिक्योरिटी के बारे में, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में, हॉस्टेलिटी कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज, तो इन सब के बारे में उसने बताया है। तो ये क्या करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम के रूप में भी अपने आप को निखार के लाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशन में सबसे पहली है सेम कल्चर, मतलब जो जापानीज का कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है अदर कल्चर से। मतलब इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, जापान का कल्चर बिल्कुल अलग है, यूनिक कल्चर है वहाँ का, तो वो हर एक जगह अप्लाई करना टफ होता है। अगर वो कल्चर वहाँ अप्लाई नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते हम, हमें वो एक कल्चर ही तो क्रिएट करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अलग हो जाती है बिल्कुल। इसलिए सेकेंड वन इज़ कॉमन थिंग्स लाइक उनके लैंग्वेज, एट्रीब्यूट्स, हैबिट्स। ये जो कल्चर है, थ्योरी जेड है, वो बेसिकली जापानीज के ऊपर दी गई थी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उनकी हैबिट्स, कल्चर, रीजन, कस्टम्स, ये सब बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम इसको एज अ कॉमन नहीं लिख सकते कि हर एक बंदा अपनी कंपनी में नहीं अप्लाई कर सकता उस चीज़ को। डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग, ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये थ्योरी हमें कहती है कि आप कलेक्टिव डिसीजन में बिलीव करो। तो कलेक्टिव डिसीजन जब हम लेंगे तो वहाँ पे डिसीजन लेने में एक तो टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट लगेगी, स्लो हो जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो ये डिफ़िकल्ट क्रिएट करते हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।